हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.5 यानी कि प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर। कह रहा है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्न के मान ज्ञात कीजिए। मतलब घनों का परिकलन ना करिए फिर भी इसका मान बताइए, तो भैया कैसे करेंगे? उसके लिए आजमाएंगे हम कुछ मंत्र। वो मंत्र क्या है देखो, इधर हम जानते हैं, आप नीचे लिखो, पहले इसमें सर्वसमिका लिखेंगे। हम जानते हैं या फिर हमें ज्ञात है, आपको भी ज्ञात है, आप भी जानते हो, हम अकेले नहीं जानते। वो क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, इसे हम जानते हैं, आप भी जानते हो, सूत्र है ये, सर्वसमिका है। यदि ये जीरो हो तो क्या होता है, x का क्यूब धन y का क्यूब धन z का क्यूब ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता भैया 3xyz के, है ना, किसके होता है 3xyz के, ये है सर्वसमिका। तो चलो हम इसी को क्यों ना ट्राई कर लेते हैं। यदि ये सब जो हैं, इनको हम x मान लें, इनको y, इनको z, और अगर ये इसका पालन करते हैं कि इनको अकेले जोड़ने घटाने पे जीरो हो जाता है, तो हम इसमें रख सकते हैं, उसमें कौन सी बुराई है, है ना। चलिए देखते हैं, तब x की जगह पर रखो -12, धन y की जगह पर रख दो 7, और z की जगह पर रख दो 5। हल करो, हल करो, क्या होता है, बराबर जीरो कर लो। चलो ये देखो, घटेगा तो -5 हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर जीरो, फाइनल में आएगा यार 0 = 0, यानी ये फालन इसका कर रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तब फिर हम कर क्या सकते हैं, तो लिख दो यहाँ पर जो भी है वैसे लिख दो, -12 का क्यूब धन ये 7 का क्यूब धन 5 का क्यूब इक्वल 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर -12, और -12 इंटू वाई की जगह पर 7 × 5। फाइनल में इसका मल्टीपल कर लो पूरा पूरा, देखो 1269 लगभग आएगा, कर लो। कैसे, अरे यार 12 × 36 हो जाएगा, 36 का 35 में गुणा कर लो, 36 का 35 में गुणा कर लो, एक इसमें माइनस का चिन्ह लगा है ना, ये माइनस है ना, तो इसलिए फाइनल आंसर माइनस आएगा, 1269 आएगा लगभग आंसर हो गया। ये छाप लो जल्दी से, ठीक है। ये कितना आसान था ना, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको ये सूत्र नहीं याद था जो मैंने रेड कलर में लिखा है तो फिर गड़बड़ था, ठीक है। पूरा पूरा जो मैंने लिखा है वो पूरा सूत्र है, बताया था ना, लिख लो। चलो आगे बढ़ें। हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखना, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है नीचे दिए गए आयतों, आयत मतलब होता है रेक्टेंगल, जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, क्षेत्रफल का मतलब एरिया दिया गया है, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। लंबाई मीन्स लेंथ एंड चौड़ाई मीन्स ब्रॉथ, ठीक है। संभव व्यंजक लिखिए, व्यंजक मतलब एक प्रकार से एक्सप्रेशन वगैरह, ठीक है। अब देखो इनके क्या करना, हमें गुणनखंड कर देना है बस। वो क्यों करना है, देखो एक बात यहाँ पर पहले अपने दिमाग में बसा लो कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यही होता है ना, है ना, परिमाप अलग होता है लेकिन क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो ये समझ लो, अगर मैंने आपसे कहा कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो भैया 35 cm² है, हमने कह दिया कि हमारा क्षेत्रफल 35 cm² है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 35 के गुणनखंड कर लो तब ये दो पार्ट में टूट ही जाएगा, और उसमें से एक लंबाई हो जाएगी एक चौड़ाई हो जाएगी। तो 35 के हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर तो आपको पता है 7 और 5 प्राप्त होंगे, या 5 और 7 प्राप्त होंगे। अब आपकी मुसीबत है इसमें लंबाई कौन होगी चौड़ाई कौन होगी, क्योंकि हम आयत पहले से देखे हैं, उनसे परिचित हैं, आयत में लंबाई बड़ी होती चौड़ाई छोटी होती है, तो भैया लंबाई 7 है चौड़ाई 5 है, समझ गए ना। वैसे इनके गुणनखंड करने हैं, जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें दो व्यंजक अलग अलग मिल जाएंगे, और उसमें से
एक लंबाई हो जाएगा, एक चौड़ाई हो जाएगा, समझ गए ना। चलो तो इनका गुणनखंड कैसे करेंगे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा रहा होगा कि x का स्क्वायर धन 5 x धन 7 बराबर 0 कैसे हल करते हैं। देखो ये 25 है, ये माइनस है, फिर 35 है, फिर 12 है, कोई कॉमन होगा इसमें नहीं होगा। अगर ध्यान से देखो तो इसमें ऐसा कुछ करना है कि 25 का पहले तो 12 में गुणा करो, कितना आएगा, 12 पंचे 60, 12 दूना 24 36 300, यानी गुणा करने पर 300 आए, जोड़ने पर 35 आए। जल्दी से कोई बताए गुणनखंड करके क्या आएगा, जल्दी करिए। गुणा करने पर क्या आए, 300 आए, और जोड़ने पर 35 आए, कोई दो गिनती बताओ। जैसे गुणा करने पर 5 और 7, 7 5 35 आ रहा गुणा करने पर ना, लेकिन 7 और 5 को जब जोड़ रहे हैं तो सॉरी 7 और 5 को गुणा करने 35 आ रहा ना, लेकिन यहाँ पर 7 और 5 को जोड़ने पर 35 आना चाहिए और गुणा करने पर कुछ और आना चाहिए, 300। ठीक, एक प्रकार ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझते हैं, 300 पहले कैसे आएगा, 25 का इसमें गुणा करते हैं तो ये क्या आएगा भाई साहब, ये 300 आएगा, कितना आएगा 300 भाई, 12 का 25 में गुणा करोगे 300 आएगा। मतलब कहने का ये है कि गुणा करने पर 300 आए और जोड़ने पर 35 आए, तो वो हो जाएगा 12 और 15, ओ 12 15 नहीं 20 और 15, हाँ 20 और 15 को आप लोग देख लो जोड़ के, 20 में 15 जोड़ोगे तो 35 आएगा, 20 15 का गुणा करोगे तो 300 आएगा, ये हो जाएगा कितना 20, 60 में ही कर देता हूँ, धन 15 इंटू ए धन 12, कितना क्लियर ना। एक लाइन मैं और बढ़ा रहा हूँ आप लोग की वजह से, 25 ए स्क्वायर माइनस, कोष्ठक पहले जो लगा उसके पहले माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो 20 का ए में गुणा करोगे तो 20 ए, फिर माइनस ये 15 ए और धन ये 12, इसमें दोनों में कॉमन ले लो, उसमें भी कॉमन ले लो, 5 ए कॉमन लोगे इसमें तो 5 ए बचेगा, माइनस 4 बचेगा इसमें, माइनस 15 और 12 में क्या कॉमन होगा सोचो, 3 कॉमन होगा तो 5 ए माइनस 4 बचेगा यानी 4। एक विशेष खासियत है कि इनमें जो अंदर में बचता है ना यार, वो बराबर ही बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ए माइनस 4 और ये 5 ए माइनस 3। अतः लंबाई बराबर, देखो इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है पता है आपको भाई, कोई भी गिनती है उसमें से 3 घटा रहे हो, कोई भी गिनती उसमें से 4 घटा रहे हो, तो जिसमें से 4 घटाओगे वो छोटी हो जाएगी ना, जिसमें से 3 घटाओगे वो बड़ी रहेगी, यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक, अब लिख दो, आता है यहाँ पर ऐसे लिखो, चूँकि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है ठीक है, तो बराबर क्या करोगे लिख दो, इन दोनों का गुणा कर लो, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, अतः लंबाई बराबर 5a माइनस 3 और चौड़ाई बराबर 5a माइनस 4। देखो मैं एक बार और बोल के भी करवा दे रहा हूँ, देखो ऐसे करोगे, नीचे लिखोगे इतना करने के बाद, हम जानते हैं आयत की क्षेत्रफल बराबर या आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, समझ गए ना, इतना करने के बाद नीचे लिखना, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, अतः आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 5a-3 कामा 5a-4 है। तो समझ गए ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था साथियों। इसी तरह की और भी क्लास आप देखते रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। चलिए आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने परिवार PBR स्टडी में। आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं, वो क्या है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, बीमाओं के लिए संभव व्यंजक लिखिए, क्लास 9th NCERT मैथ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 16। देखो आयतन दिया गया है, हम सभी जानते हैं कि आयतन क्या होता है, घनाभ की अगर बात करें घर और घनाभ में, तो आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है ना, जानते हो ना। तो देखो सबसे पहले इसके हम लोग करेंगे गुणनखंड, नीचे लिखो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड करने पर, तो इसमें देखो हम एक कॉमन ले सकते हैं 3x, तो बचेगा x माइनस 4, यही बचेगा ना। उसके बाद अगर इसमें देखो तो आपको एक चीज़ मिल रहा होगा, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर
हाँ ठीक है, वो क्या है कि इसमें तीन व्यंजक आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, है ना, तीन व्यंजक अलग अलग दिख रहे हैं ना। हम जानते हैं, यहाँ पर नीचे लिखो बराबर, इसके इसको भी उतार लो, आप 3x² - 12x बराबर, देखो तीन और इसको यक्स और इसको अगर हम यक्स माइनस फोर लिखें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फोर दूसरी तरह का बना लो, ये वाला इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब गुणा करोगे तो फिर यही आ जाएगा, लास्ट में ही आ जाएगा, है ना। अब नीचे लिखो, हम जानते हैं कि आयतन का क्या पूछा था, और आगे घनाप दिया है ना उसमें, हाँ आयतन का क्षेत्रफल निकालना था, घन निकालना था, क्या निकालना था, पहले ये देखो, आयतन निकालना था। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुड़ा चौड़ाई गुड़ा ऊंचाई, ठीक, हम जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुड़ा चौड़ाई गुड़ा ऊंचाई, ये आप जानते हैं। अतः दिए गए व्यंजक की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई, अतः दिए गए व्यंजक की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 3x - 4 है। समझ में आया ना, नहीं समझ में आया एक बार फिर से सुन लो, यहाँ तक गुणनखंड करने के बाद नीचे लिखना, हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इसे आप जानते हैं, अतः दिए गए घनाभ का लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 3x - 4 है। बस हो गया, कहानी पूरा हो गई। तो साथियों ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो चुका है, अब इसके बाद अगला चैप्टर चलेगा तीसरा, आप उसके लिए इंतज़ार करिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने इस वीडियो को डेमो के रूप में YouTube पर देखा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, अगर आपने इसे ऐप में लिया है तो भैया क्लास को रेगुलर देखिए, एक बढ़िया से नोट्स बनाइए और ईमानदारी से हर दिन 4-6 घंटे पढ़िए, क्योंकि अगर आपने ऐप में क्लास लिया तो आपको अनलिमिटेड वॉचिंग मिलती होगी, आप चाहें तो जीरो लेवल मैथ हर दिन 10 घंटे भी देख सकते हैं, 5 घंटे देखें 4 घंटे देखें जितना चाहें उतना देखें, एक तरफ से आपको सब मिल जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। अगर आपने PVR स्टडी का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा।